मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुआ मंथन कार्यक्रम, वक्ताओं ने रखे अपने विचार। गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी, विभिन्न मॉडलों के माध्यम से दिखा युवा वैज्ञानिकों का हुनर। दूसरे दिन भी सजा रहा गोरखपुर महोत्सव का स्टेज, मनमोहक गानों ने दर्शकों को खूब लुभाया। भारत निर्वाचन आयोग ने गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के कारण मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को किया प्रीपोन्ड, 21 फरवरी की जगह 9 फरवरी किया। भारत स्काउट एवं गाइडों ने स्वामी विवेकानंद जयंती को मनाया युवा दिवस के रूप में। गोरखपुर महोत्सव में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के सौजन्य से लोग उठा रहे हैं पैरा मोटर ग्लाइडिंग का लुत्फ। रीजनल स्टेडियम में डीआईजी नीलाब्जा चौधरी ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। गोरखपुर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में हुआ परिवर्तन, अब विश्वविद्यालय के क्रीड़ा संकुल में 3 बजे से होगा समापन समारोह। स्वामी विवेकानंद जयंती अवसर पर भारतीय नारी सेना के सदस्यों ने निकाली जागरूकता रैली। गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे सूबे के कई कैबिनेट मंत्री। गोरखपुर न्यूज ने मनोरंजन कार्यक्रमों का डिफॉल्ट लाइव कर अपने दर्शकों को घर बैठे लुत्फ उठाने का किया इंतजाम। और 12 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होने और खिचड़ी मेले के उद्घाटन करने के लिए गोरखपुर पहुंचे।